तो लगे बात करें भाई साहब, पकड़ के बजा दिया जिम्बाब्वे को 5 T20 में, बुरी तरह से टीम इंडिया ने हरा दिया भाई साहब। लगातार 2 मैच हुए, दोनों मैचों की टीम इंडिया ने जीत कर बता दिया भाई साहब। हरारे स्टेडियम में भारतीय टीम ने भाई साहब सीरीज जीत कर झंडा गाड़ दिया भाई साहब। क्या ही क्रिकेट खेली है, खासतौर पर इस आज के मैच में, जो कि संजू सैमसन भाई साहब आईपीएल में मौका नहीं मिला, लेकिन उसकी कसर इस आज 5 T20 में 50 लगाकर भाई साहब निकाल दिए, और ज़बरदस्त क्रिकेट संजू सैमसन ने खेला। जो भी प्लेयर बॉलर जो कि संजू सैमसन के सामने आ रहा था, सीधा छक्का खाकर जो कि बाउंड्री के बाहर जा रहा था, और भाई साहब इतनी पूरी तरह से पिटाई की ना जिम्बाब्वे की बॉलर को, भाई साहब नानी याद दिला दी, पूरी तरह से कबर खोद दी जिम्बाब्वे के बॉलरों की, और पूरी तरह से भाई साहब पूरी तरह से वार लगा दी। और बात करें जिस प्रकार से शुभमन गिल ने भी आज पूरी तरह से बैटिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन कैप्टनसी जबरदस्त की है, और आज भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन संजू सैमसन ने भाई साहब जबरदस्त इनिंग को आगे बढ़ाते हुए भारतीय टीम को अच्छे खासे फाइटिंग स्कोर तक पहुंचाया, 167 रन तक, और फिर भारतीय टीम डिफेंड करने के लिए उतरी। तो भाई साहब मुकेश कुमार और शिवम दुबे ने आज ऑलराउंडर भूमिका निभाई, बैटिंग में भी जबरदस्त योगदान दिया और बॉलिंग में भी 2 विकेट लिए, और मुकेश कुमार ने भी 2 विकेट लिए, बाकी 1-1 विकेट सभी बॉलरों को मिला, लेकिन भारतीय टीम ने ये 42 रन से ये मैच जो कि जीत लिया और 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है भारतीय टीम ने। बात करें भाई साहब पहला T20 मैच जो कि भारतीय टीम हारने के बाद काफ़ी आलोचना हो रही थी, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर जो कि शोएब अख्तर कह रहा था कि इस बार जो कि भारतीय टीम की वो बुरी तरह से जिम्बाब्वे सीरीज हराएगी, लेकिन अब उन्हें तमाचा मारा है भारत के युवा टैलेंटों ने, और शोएब अख्तर यह कह रहा कि आईपीएल का टैलेंट पूरी तरह से भाई साहब खाक में मिल जाएगा जो कि जिम्बाब्वे के साथ खेलेगा, क्योंकि इस बार जिम्बाब्वे जो कि जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, जो जिम्बाब्वे इस बार इंडिया टीम को हराएगा, लेकिन भारतीय टीम ने करारा जवाब जो कि भाई साहब शोएब अख्तर को दिया, और जिम्बाब्वे को हरा कर पूरी तरह से शोएब अख्तर के स्टेटमेंट को जो कि तमाचा मारा है, और पूरी तरह से आईपीएल का टैलेंट जो कि जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, और आने वाले फ्यूचर में टीम इंडिया के लिए ये युवा टैलेंट जो कि आने वाले ब्राइट होने वाला है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इस बार इंडिया में खेला जाएगा, और भारतीय टीम के युवा प्लेयर जिस प्रकार से खेल रहे हैं, तो भाई साहब आप समझ सकते हो कि इस बार 2026 में भी इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप जीतने की पूरी तरह से दावेदारी दिख रही है, क्योंकि जिस प्रकार के युवा टैलेंट बॉलिंग की बात करें तो रवि बिश्नोई भाई साहब जिस प्रकार के फिरकी में फंसा रहा है भाई साहब, देख के मज़ा आ गया। और बात करें भाई साहब देश पांडे को भी मौका मिला तो भी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, आवेश खान भाई साहब पूरी तरह से भाई साहब तेल का मचा रखा है भारत के बॉलरों ने, और जबरदस्त खलील अहमद, और बात करें सभी बॉलरों ने जो कि जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, सभी बैट्समैनों ने जबरदस्त योगदान दे रहे, अभिषेक शर्मा का भी सीरीज में जो कि रौद्र रूप देखने को मिला, शानदार शतक लगाई, और पिछले मैच में जयसवाल का भी बल्ला बोलते हुए देखा भाई साहब, जबरदस्त इस सीरीज में सभी भारतीय युवा प्लेयरों ने सभी ने जो कि जबरदस्त योगदान दिया है, और भारतीय टीम के लिए आने वाला फ्यूचर भाई साहब जबरदस्त होने वाला है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बात करें भाई साहब भारत के लेजेंड क्रिकेट में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को पूरी तरह से हरा दिया है भाई साहब, पाकिस्तानी टीम जो कि हर बार भारतीय टीम के सामने आती है और पूरी तरह से हार के चली जाती है, इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का जो कि रो के बुरा हाल हो गया है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा कि हम जहाँ पर भी जाते हैं हमारे इंडिया के खिलाफ हमें जीत नसीब नहीं होती है, और इस बार भी इंडियन टीम पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा कर भाई साहब चैंपियन बन चुकी है इंडियन टीम। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।